संतोष जी हैं दिल्ली से हमारे साथ। स्वागत है आपका। नमस्कार बेटा। नमस्कार मैम। जी को मेरा आदाब। आदाब संतोष जी, आपका नाम आते ही मुझे लगता है कि ओह, वाकई करोड़ों संतोष दुआएं जी मेरी तरफ से आपको। देखो, संतोष है। वाकई आपका नाम वाकई संतोष है और सही है। बिना धर्म बिना जाति देखे आप इतनी ठंड में लोगों की सेवा करते हैं। मेरे मालिक को ऐसे ही लोग पसंद बेशक बेशक, आप भी बहुत अच्छी हैं, बहुत दिल वाली हैं, बहुत खुले दिमाग की हैं, बहुत मोहब्बत करने वाली हैं। हम आपका खास आदर करते हैं। जी। मैं तो जी ऐसी हो जाऊं कि बस अपने मालिक का नाम जपती रहूं, थोड़ा सा मुझे रहने का थोड़ा सा आराम मिल जाए बस। और ज्यादा कुछ नहीं, मैं काम नहीं कर सकती, ना करूं कोई नहीं, मुझे काम वाली लग रही है मेरी। और अपने पति का खाना बना दूं बस, वही बात है। और जी मेरा सवाल, और देखो मेरे पास यहाँ पर दवाई आई है यूनायूर मार्केटिंग से, उसमें आपके ही लेबल लगे हुए डब्बे हैं और उसकी पैकिंग पर भी आपका फोटो छपा है। अब नहीं पता वो नकली है असली है, मैं कैसी दवाई ले रही हूँ पता नहीं, इसी नहीं, आराम नहीं हो रहा वो होगा। हमारी कंपनी अनायुर UN से हाँ शुरू है। वो हमारी कंपनी है, मार्केटिंग की कंपनी, हाँ हाँ उनायुर, उसी से। हाँ उनायुर मार्केटिंग। हाँ हाँ यूनायूर मार्केटिंग। जी अच्छा जी, मेरे आपसे सवाल है कि मुझे एसिड बहुत बनता है, मैंने पेट की वो करवा ली है, मुझे कुछ नहीं है पेट में, अंदर लीवर में इतना मतलब एसिड बन रहा है बहुत ज्यादा कि मैं कुछ खा नहीं सकती, इतनी जलन हो रही है बहुत ज्यादा। और एक दवाई से दूसरी दवाई के बीच में कितना अंतर रखूं, और जो आपने सुन्नी वाला बताया था ना, वो मैं रोज करती हूँ, जी उससे भी कुछ मुझे नहीं आराम पड़ेगा। ठीक। एक तो जब भी इनका कॉल आता है तो मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ। बिल्कुल। इनकी बातचीत ऐसी है जैसे बहुत बड़े विद्वान करते हैं। जी। बिल्कुल ऐसी बातचीत है। सिर्फ विद्वानों में ही मैंने ये बात पाई जो अंदाज आपका है या आपके अंदर पाई। भगवान आपके लिए आसानी करें। और ये दवाई हमारी है, अनायुर मार्केटिंग। क्या सवाल था इनका? सवाल है इनका, एसिड जलन बहुत हाँ ज़्यादा होती है जी। देखिए, इतनी दवाइयाँ आप खाते हैं, और अगर कोई एलोपैथिक दवाई दर्द की आप खाते हैं तो उसके साथ एसिडिटी की दवाई खाना ज़रूरी है। नहीं तो ये बीमारी हो जाती है कि जब भी वो खाते हैं, आराम मिले ना मिले, लेकिन वो एसिडिटी बनती है। अच्छा, फिर इतनी दवाई खाने वालों को सब जगह वर्म हो जाता है, लीवर पर, आंतों पर, मैदे पर, अमाशय पर, सब जगह वर्म हो जाता है। तो आपके गांव में अगर मिलती हो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें तो आप जानती हैं, सौंफ, मको और कासनी, तीन चीज़ें हैं। कासनी, मको और सौंफ, ये तीनों चीज़ें आप ऐसे 20-20 ग्राम, 30-30 ग्राम लें और इसे 1 लीटर पानी में डाल दें और इतना इसे जलाएं कि 100 ग्राम पानी जल जाए। फिर इसे छान के रख लें और इसमें नमक जैतून 2-3 चुटकी मिला के रख लें एक बोतल में, और ये रोज़ पिया करें, पूरी बोतल ख़त्म कर लें। तो इससे लीवर, एसिडिटी, कब्ज़, ऐसी बवासीर जैसी वर्म ये चीज़ें निकल जाती हैं। फिर से मैं बोल देता हूँ, कासनी, कासनी सभी जानते हैं, कासनी, मको और सौंफ, इनका पानी जितना पिया जा सके, ये नुकसान नहीं देती, इतना पीजिए नमक जैतून मिला के इसमें। ये तो पेट के लिए है। और एलोपैथिक दवाएं भी लेनी पड़े तो ले लिया करिए। मेरी बड़े दिमाग और दिल आपकी तरफ लगा हुआ है कि कब आप कहें कि आपको भगवान ने फ़ायदा देना शुरू कर दिया। उस दिन मैं बहुत और ज़्यादा शुक्र करूँगा भगवान का, जिस दिन आपको फ़ायदा होने लगेगा। जी।